रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप हमारे साथ देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में इस समय निकाय चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इन सरगर्मियों के बीच लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। अभी हाल में ही यहां पर जो संगठन महामंत्री रहे सुनील बंसल, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर धर्मपाल सिंह जो कि झारखंड के प्रभारी थे उनको मौका दिया गया है और कल उन्होंने यहाँ पर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और रणनीति बनाई है कि निकाय चुनाव में किस तरह हमें लोगों के पास जाना है और बेहतर प्रदर्शन करना है, यहाँ रूपरेखा चलती जा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी अपनी अलग व्यवस्था में महंगाई, बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर एक यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है जो कि 28 अगस्त से शुरू होगी। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 3500 किलोमीटर की एक भारत जोड़ो यात्रा निकालने वाली है और जिसमें 7 सितंबर शुरुआत होगी, तमिलनाडु से शुरुआत की जाएगी और राहुल गांधी स्वयं इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 12 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों से ये यात्रा गुजरेगी। तो कुल मिला के यहाँ पर जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तो वहीं अगर सपा की बात करें तो अखिलेश यादव अब थोड़ी सी, जब उनसे सुभाषपा अलग हो गई, ट्वीट की राजनीति के तमाम उनके ऊपर आरोप लग गए और कटाक्ष हो गए, तब अब पिछले एक महीने से बड़े सक्रिय हैं और लगातार दौरे भी कर रहे हैं और अभी हाल में ही वो गए थे रमाकांत यादव से उन्होंने मुलाकात भी की। तो अब थोड़ी सक्रियता समाजवादी पार्टी में भी दिख रही है जो कि दिखनी चाहिए थी बहुत पहले, क्योंकि आप 111 सीटों के साथ मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका होने के चलते आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता से जुड़े जो भी मुद्दे हों उसका ध्यान रखना और सरकार से उसके लिए संघर्ष करना। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत नैतिक आपके दायित्व हैं, पर इसके अलग अलग तरह की राजनीति हो रही थी। और साथ ही साथ जो अन्य दल की अगर हम बात करें, सुभाषपा की बात करें, तो सुभाषपा का जो सतत प्रयास है वो लगातार चलता रहता है। उनकी जो कार क्षेत्र में उनका काम करना, चाहे पूर्वांचल की बात करें या अलग क्षेत्र की बात करें, वो लगातार सक्रिय बने रहते हैं। और अगर बयानों की बात करें तो ओम प्रकाश राजभर हमेशा उत्तर प्रदेश की राजनीति को अपने बयानों से गरमाते रहते हैं समय समय पर। प्रसपा की बात करें तो प्रसपा अगर बात करें तो अभी हाल में ही जब द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आई थी तो उनके लिए तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर हुई थी, डिनर का आयोजन किया गया, वहाँ पर उनका जाना हुआ, उन पर राजभर भी वहाँ गए, तो एक अलग तरह का संदेश गया। और निश्चित रूप से ये भी दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल अलग हो चुका है और केवल एक औपचारिक ऐलान बाकी है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति के महत्वपूर्ण दल हैं और लगातार इनको में जो राजनीतिक रस्साकसी का दौर है वो जारी है, आरोप प्रत्यारोप के दौर तो अब चलते ही रहेंगे। ये हमारे लोकतंत्र की एक खूबसूरती कहे या व्यवस्था कहे, यहाँ पर चलते रहते। जैसे इस समय दिल्ली की जो राजनीति में है आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच ऑपरेशन लोटस से लेके और तमाम मुद्दों पे व्यवहार चल रहा है। तो आज जो चर्चा का विषय है वो निकाय चुनाव है जो बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और माना जा रहा है कि 2024 के पहले का ये सेमीफाइनल है। हालांकि निकाय चुनाव की अपनी व्यवस्था है कि निकाय चुनाव कहा जाता है कि मोहल्ले का चुनाव, कॉलोनी का चुनाव, यानी जिसकी अच्छे व्यवहार होते हैं, जिस जो लगातार लोगों के लिए काम करता रहता है, सहयोग करता रहता है, वो ही इन चुनावों में जीतता है और उसी की यहाँ पर एक इतना की कुर्सी सत्ता की उसको हासिल होती है। तो जो निकाय चुनाव के परिणाम की अगर बात करें तो 17 की चुनाव के परिणाम की बात करें तो जो सत्तारूढ़ पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी उसको लाभ मिला और अच्छी सीटों के साथ यहाँ पर ऊपर हुई। उस समय 652 शहरी निकायों में चुनाव हुए थे और अगर इस बार की बात करें तो लगभग 734 शहरी निकाय में इस बार चुनाव होने हैं। और एक अलग प्रक्रिया और रची गई है कि जो नगर निगम है उनके लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है कि वहाँ पर कम से कम 60 वार्ड होंगे जो भी नगर निगम रहेगा और अधिकतम 110 वार्ड ही हम रखे जाएंगे। अगर नगर पंचायत की बात करें तो वहाँ पर भी न्यूनतम 10 वार्ड रखे जाएंगे और अधिकतम आप 24 वार्ड वहाँ पर रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो निकाय चुनाव है वो अलग इसलिए भी है क्योंकि जो नगर निगम है, जो नगर पालिका है और जो नगर पंचायत है उनमें बदलाव कर दिया गया है। जो पहले 16 नगर निगम होती थी उसको 17 कर दिया गया है, जो 198 नगर पालिका होती थी उनको 200 कर दिया गया है और जो 438 नगर पंचायत थी उनको 517 नगर पंचायत बना दिया गया है। तो यहाँ पर 652 की जगह 734 नगर निकाय पर चुनाव होंगे, शहरी निकाय पर। बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है और चुनाव के बीच में कौन सा दल आगे रहता है ये भी बहुत बड़ी
भूमिका है, क्योंकि जहां बीजेपी यहां पर सत्ता पे आरूढ़ है और बीजेपी के अपना एक संगठनात्मक जो ढांचा है वो लगातार काम करता रहता है। और बीजेपी की, जब मैंने आपको बताया कि भाजपा एक चुनाव जीतने के बाद अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है, और इस महत्वपूर्ण विषय पर आपको एक बात और बता दूं कि अभी हाल में ही मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हुए हैं जिसमें 347 सीटें थी निकाय की, उसमें लगभग 241 सीटें भाजपा ने जीती है। हालांकि भाजपा को वहां पर 7 नगर निगम में नुकसान भी हुआ है, और ग्वालियर और जबलपुर से तमाम सीटों पर वहां पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। पर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को वहां पर निश्चित रूप से लाभ मिला है, और भाजपा वहां पर 43 सीटों के साथ ज्यादा फायदे में है। तो जो मध्य प्रदेश निकाय चुनाव हुए वहां पर भाजपा को लाभ मिला है, और इस बार जब उत्तर प्रदेश चुनाव होने वाले हैं 652 की जगह 734 शहरी निकाय में चुनाव होने हैं, उस पर निश्चित रूप से यहां पर कुछ फेरबदल भी होगा और एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी सभी दलों को। पर संघर्ष जो करेगा जीतने का वही नजर आएगा, क्योंकि अगर संघर्ष नहीं होगा, धरातल पर काम नहीं होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ पर संघर्ष बेमानी होगा। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको अपने मेहमानों से रूबरू करा दूँ। भारतीय जनता पार्टी से कंचन द्विवेदी जी अपना पक्ष रखेंगी, समाजवादी पार्टी से तारिक खान जी अपना पक्ष रखेंगे, प्रसपा से मोहम्मद इखलाक जी अपना पक्ष रखेंगे, और बाकी मेहमान हमारे साथ अभी जुड़ने आ रहे हैं। आप सभी के इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो पहला सवाल तो हमारा कंचन जी से रहेगा। कंचन जी, अभी हाल में ही बड़ा परिवर्तन किया गया, जो कि संगठन महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के सुनील बंसल, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, और अभी जिम्मेदारी धर्मपाल सिंह जी को दी गई है। कल बैठक थी और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। क्या मानते हैं, विपक्षी दल का अपना कहना है कि इस बार हम बहुत मेहनत करेंगे, धरातल पर लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में उस प्रदर्शन की उम्मीद नहीं करने देंगे जो इस बार उन्होंने की थी। क्या मानती है भारतीय जनता पार्टी, किस तरह इनसे विपक्षी दलों से इस बार चुनौती मिलेगी? हाँ ठीक है, देखिए बात ये है ना कि आपकी जो चीजें हैं या फिर आप जो मेहनत कर रहे हैं या आपने आगे जो मेहनत की है वो आगे की चीजों पर प्रभाव डालती है। बाकी मैं थोड़ा अगर इस चुनाव की बात करूं तो इस चुनाव में स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बदला हुआ है। 17 में 2011 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से चुनाव हुआ था, अब जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बदल गया, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ी हुई है और उसी के हिसाब से वार्ड भी बड़े हुए हैं, और जो पूरा का पूरा ढांचा है इस पंचायत चुनाव का, ये नगर निकायों का, इसका सिस्टम ही चेंज हो गया है। क्योंकि जैसे कि नगर निगम हमारा एक बढ़ गया है और दो पालिका परिषद बढ़ गए हैं, 70 से ज्यादा पंचायतें बढ़ गई हैं, तो ये जो है जो परिवर्तन वो बहुत प्रभाव देगा, और ये जो नियमों के हिसाब से है, जो प्रक्रियाएं हैं, इन पर भी प्रभाव देती ही हैं चीजें, और जनता जुड़ गई है जिस प्रकार से आप देख ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग मेहनत बहुत करते हैं, आप भी जानते हैं और जनता भी इस बात को जानती है कि कामों के माध्यम से देखें तो भी भारतीय जनता पार्टी जब से शासन में आई है और प्रशासन भी चीजों को संभाल पा रहा है, सब चीज सुव्यवस्थित तरीके से चल रही है, विकास भी अच्छा हो रहा है, चाहे नगर निकायों के हिसाब से हो या फिर हमारे किसी भी चुनाव के हिसाब से हो अभी। लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी, क्योंकि नगर निकाय की जो प्रक्रिया है वो तीन प्रकार से, तीन पद्धतियों के हिसाब से होती है, तीन यानी कि मैं कह सकती हूँ तीन श्रेणियों के हिसाब से होती है, तो उन चीजों को रखना, मुझे लगता है विधायक का चुनाव जितना जितना आसान होता है उतना ही कठिन, मैं कहूँ कि मेयर का चुनाव या फिर पंचायत चुनाव में चली जाऊं तो सबसे कठिन होता है, मुझे लगता है ग्रामीण इलाकों में प्रधान जिसको कहते हैं उसका चुनाव जितना ही छोटा चुनाव होता है उतना ही टफली हो जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे लोगों से चलता है और वहां जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी सुविधाएं और असुविधाएं होती हैं, उनको देख करके ये चुनाव डिसाइड करते हैं और चयन प्रक्रिया वैसी ही होती है। तो विधायक का चुनाव या फिर मैं कहूँ कि हमारे MLA का चुनाव, सांसदी का चुनाव या फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, उन सब चीजों के चुनाव से कही जाता है ये जो छोटे चुनाव है उनमें मेहनत होती है, और इसका आप मतलब और उदाहरण समझ रहे होंगे कि MP में जो अभी रजन आए हुए हैं उससे प्रभाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ किस प्रकार से लोगों का है। दूसरा, अब स्ट्रक्चर भी बदल रहे हैं, आरक्षण की भी चीजें बदल गई हैं, कुछ सीटें भी बदलेंगी, और जो अनुसूचित जनजाति है उनके हिसाब से वार्ड भी बदले जाएंगे, वार्ड भी बढ़े हुए हैं, तो ये सब चीजें बहुत प्रभाव डालेंगी। तो मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा हर चुनाव में आगे चल रही है, क्योंकि वो
मेहनत से काम करते हैं, करने वाले लोग हैं। मैं कहूँ कि जितने भी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं या फिर जो काम करते हैं, मैं तो डिबेट में बैठ रही हूँ, लेकिन जो नीचे तबके में काम करने वाले लोग हैं, जमीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, वो मेहनत बहुत करते हैं और हर एक व्यक्ति से जुड़ते हैं, हर एक जन जन के हृदयों में जाकर के अपना घर घर कर रहे हैं कामों के माध्यम से। तो ये चीजें प्रभाव देंगी और मुझे यकीन है कि पूरी तरीके से हम इन चुनाव में भी अपना झंडा फहराएंगे। ठीक है कंजय जी। तारिक भाई, चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और तमाम तरह की जो कयास है वो लगाए जा रहे हैं कि इस बार चुनाव कितना बेहतर होगा, क्योंकि अभी हाल में जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए हैं तो बीजेपी को वहां पर 43 सीटों पर फायदा हुआ है और जो उनका पिछला प्रदर्शन था उससे बेहतर रूप में गए हैं। क्या मानते हैं, क्या वही उपलब्धि उत्तर प्रदेश दोबारा दोहराई जाएगी या समाजवादी पार्टी इस बार कड़ी टक्कर देती नजर आएगी, क्योंकि अभी तक सक्रियता तो बड़ी नजर नहीं आ रही है। सक्रियता तो है ना, देखिए अखिलेश यादव साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो महानगर पालिकाएं हैं उनके लिए जो प्रभारी हैं वो नियुक्त कर दिए हैं जी। और सारी जो डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका नगर पंचायत मिलाकर 5-6 हो ही जाती है जी। और अब की बार तो बाकी भी आएंगे। और ये जो चुनाव होता है गौरव भाई जी, इसमें मेयर को छोड़कर बाकी जो नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासदों का चुनाव होता है जी, वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअल जो आदमी होता है उसको देखा था। महानगर पालिका तो पार्टी बेसिस का हो जाता है। ये मैंने ये इतिहास बता रहा हूँ मैं, 90 से अगर चुनाव को देखना शुरू कर दें जिस तरीके से नगर पालिका के चुनाव हुए, और पार्टियों का भी परफॉर्मेंस रहता है ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी है ये तो लगातार ही अपने जो कैंडिडेट हैं सिंबल पे वो खड़ा करते रहे। समाजवादी का परफॉर्मेंस इन चुनाव में पिछली बार भी बेहतर था, इस बार हम तैयारी कर रहे हैं और बेहतर चुनाव करने की, क्योंकि शहर की जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं जी। ट्रैफिक शहर की समस्या है, मंडियों को कूड़े के निस्तारण का क्या हो रहा है शहर की समस्या है, जानवर जिनसे लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है वो उनको व्यवस्था व्यवस्थित करना, सही जगह पर पहुंचाना, वो सड़कों पे ना रहे, वो भी नगर पालिका नगर निगमों की जिम्मेदारी है। इन सब दायित्वों के साथ आपको काम करना रहता है, नगर पालिका में एक काम नहीं होता है, कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी नगर पालिका की, लाइट ठीक करने की, प्रकाश व्यवस्था की जिम्मेदारी वो नगर पालिका की। तो नगर पालिका के ऊपर एक जिम्मेदारी नहीं होती जी, नगर पालिका नगर पंचायत और महानगर पालिका, और उसके बाद वो निर्माण का भी काम करते हैं और भी कई काम करते हैं, स्कूल्स पे भी उनका वो रहता है, मतलब उनका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ने जा रही है और हम बेहतर परफॉर्म करेंगे, सिर्फ महानगर पालिकाओं को छोड़कर बाकी बहुत हद तक ये चुनाव इंडिविजुअल जो आदमी लड़ रहा है उसकी व्यक्तिगत क्या काम करने की क्षमता है जी, इन चीजों को देखकर होता है। क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म पार्टी बेसिस पे तो नहीं हो पाता नीचे, क्योंकि सभासद है वो पता चला कि समाजवादी पार्टी, भाई चयन कभी भी किसी भी पार्टी का परफेक्ट नहीं हो सकता, इन चुनाव को कार्यकर्ताओं का चुनाव कहा जाता जी। इसीलिए हम कभी भी इस चुनाव से अपने आप को आउट नहीं करते, क्योंकि छोटे कार्यकर्ता जो नीचे लेवल पे मेहनत करते हैं वो इन्हीं सब चुनावों की तैयारी करते हैं, इसलिए पार्टी उनको बैक करती है और पूरी ताकत से इस बार, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश साहब ने अभी मीटिंग में कहा तो इस बार ज्यादा ताकत लगाएगी समाजवादी पार्टी निकाल चुनाव में पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि बहुत पहले ही तैयारी शुरू हो चुकी है नगर पालिका चुनाव की समाजवादी की तरफ से, कैंडिडेट चयन करना है, यहाँ तक कि कह दिया गया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जो संभावित कैंडिडेट है नगर पालिका नगर पंचायत और मेयर, तो खैर 16-17 ही हैं, उनका चयन हो जाएगा, लेकिन ये ज्यादा है 200 के करीब है तो इनके लिए प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। पर तारिक भाई, 2012 तक तो सपा अपना सिंबल तक नहीं देती थी, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल देती थी, सुन लीजिए, और कांग्रेस सिंबल देती थी, सपा समर्थन करती थी सिंबल नहीं देती थी, पर चूंकि अब सिंबल दिया, उससे पहले देती थी जी, 12 के चुनाव में नहीं थी, मेरी मदर 96 में साइकिल सिंबल से चुनाव लड़ी जी जी, 96 में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी, महिला सीट, उनका चुनाव निशान साइकिल जी, 2012 चुनाव में नहीं दिया जी, 12 चुनाव में जी,
तारिक भाई ये बताइए किस तरह से सरगर्मियां बेहतर होंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि सक्रियता तो नजर आ रही है, पर पिछले एक महीने से चुनाव 10 मार्च को चुनाव के परिणाम आए थे, 25 मार्च को सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से लगातार जो राजनीति है वो केवल ट्वीट के माध्यम से हो रही थी। जनता के मुद्दों के लिए कोई नहीं उतरा, GST बढ़ता रहा कोई नहीं उतरा, पेट्रोल के रेट बढ़े कोई नहीं उतरा, महंगाई बढ़ी कोई नहीं उतरा, केवल सरकार को ट्वीट के माध्यम से कोसने का काम हुआ है। धरातल पर कोई भी पार्टी उतरना नहीं चाहती, तो कैसे आम जनता के बीच पैठ बना पाएंगे? देखिए धरातल पर बिल्कुल उतरेगी, उसमें सबसे पहले समाजवादी ही आगे है जी। देखिए चुनाव बिल्कुल अभी विधानसभा का खत्म ही हुआ जी, पक्ष को थोड़ा सा समय देना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा था हमारे 100 दिन के टारगेट है ये है जी। तो बातें ऐसी करनी चाहिए मेरे हिसाब से जो जनता को लगे कि हाँ ये सही डायरेक्शन में जा रही जी, इनके निर्णय गलत हैं, जिसकी जिसकी नीतिगत तरीके से जिनका विरोध किया जाएगा, आने वाला चुनाव लोकसभा है उसको टारगेट कर जो केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं उनको जनता तक समझाया जाएगा उनको कि इसकी वजह से GST बढ़ रहा है, इसकी वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। अब GST बढ़ रहा है तो क्या GST के लिए विदेशी ताकतें जिम्मेदार हो जाएंगी? नहीं होंगी, वो तो आपका इंटरनल मैटर है, आप बढ़ा रहे हैं GST, जनता पे बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो चीजें जनता को ले जाकर समझानी, किस हद तक समझ में आती है ये तो चुनाव से पहले नहीं कहा जा सकता कि किस हद तक समझ में आती। अच्छा अभी कब समझाएंगे तारिक भाई? अरे भाई समाजवादी का एक कार्यकर्ता गली गली में जाकर अपना काम शुरू कब करेगा? नवंबर दिसंबर चुनाव हो जाएंगे, नगर पालिका दोनों की तैयारियां शुरू कर। देखिए देखिए गौरव भाई, जो नगर पालिका चुनाव होता है मुझे बड़ा तजुर्बा है, थोड़ा सा अलग किस्म का चुनाव होता है जी। नेता लोग भी जो ग्राउंड लेवल पे होते हैं अपने आप को बचाने के शुरू कर देते, क्योंकि एक वार्ड में पता चला बीजेपी के ही 2-3 लोग टिकट मांग रहे हैं और समाजवादी के भी 2-3 लोग टिकट मांग रहे हैं ना, तो वो हमारे लिए भी दिक्कत होती है क्योंकि वो भी बड़े खास लोग होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पार्टी के लिए थोड़ी सी चलिए और मेहमानों को ले लें तारिक भाई, चुनाव लड़ा तारिक भाई और मेहमानों को ले लो, फिर इस बार फिर चर्चा होगी। हमारे साथ प्रवक्ता आपके रूप में नरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। नरेंद्र भाई चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, और क्या मानते हैं आम आदमी पार्टी कहाँ तक विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी, क्योंकि यात्रा ने वोट निकाल ली और लगातार जो आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं वो सरकार पर हमलावर होते रहते हैं, धरातल पे किस तरह प्रदर्शन होगा इस बार? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जितने सरकारी डिपार्टमेंट जो राजनेता बैठे हुए हैं केंद्र सरकार में, वो इस तरह का ED का जांच करा दे रहे हैं, CBI जांच हो जा रही है, किसी को आप फंसा दे रहे हो, कहीं बिहार की सरकार गिर रही है, गिरा दिया गया तो पता चला कि तुरंत जो है ED की जांच बैठा दी जा रही है, ये सब क्या है? एक तमाशा है, तमाशा के तौर पे ये जो है आज नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी ये लोग जो बैठे हुए हैं ये इस तरह का काम कर रहे हैं वहाँ पे जी, कि तुरंत उसका ED की जांच करा दो। महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में क्या हुआ जी, कि भाई ने सरकार वहां खरीदी गई, अच्छा खरीद के मतलब खरीद फरोख्त करके आपने मतलब सिंधे को आप मुख्यमंत्री बना दिए, क्या मतलब है? तो आपका क्या कहना है कि बीजेपी जानबूझ का जो है ईडी की बिल्कुल जानबूझ के ही काम कर रही है? अच्छा आज के तारीख में जानबूझ के ही काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से मतलब आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से आज केजरीवाल जी जी सिसोदिया जी जी जो भी है हमारे माननीय नेतागण है जी और मुख्यमंत्री भी है जी आपके दिल्ली शहर के, दिल्ली राज्य के, आप ये बताइए कि आप जो है शराब घोटाला जी कोई भी आप लेके आप जांच बैठा दे रहे हो जी, आप तुरंत आज गुजरात न जाते हो जी, गुजरात गए आपको चिड़चिड़ा लगा जी, चिड़चिड़ापन लगा जी, आप हिमाचल गए वहां चिड़चिड़ापन लगा जी, तो कहने का मतलब यह है कि आपके जो उंगली करेगा जी, उसकी आप जांच तुरंत तो मतलब CBI की। चलिए जी अभी आपको लेता हूँ नरेंद्र भाई, ये चीज आइए, आपकी 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, तो आप क्यों भाजपा नेता के खिलाफ कोई जांच करवाते हैं? क्या
क्या कर रहे हैं भाई? दिल्ली में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार बनी है, तो आप भी तो भाजपा नेताओं के खिलाफ जांच करवा सकते हैं अगर अगर कोई गलती हो रही है। मेरे पास कहाँ पे ईडी है? अच्छा, ईडी हमारे पास थोड़ा है। ईडी तो सरकारी संस्था है भाई। सरकारी संस्था है जी तो ये, अरे भाई आप जो सिसोदिया के ऊपर आपने ईडी जांच करा दिया, अच्छा 12 घंटा आपने उसकी जांच कराया जी, 12 घंटा में क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप सत्येंद्र जैन जी है, आपने उनकी जांच कराया, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जेल में है, आपको मालूम है, कुछ नहीं मिला होगा तो जेल में नहीं होते। नहीं नहीं, आप सुनिए, हम जो कह रहे हैं आप हमारी बात सुनिए। बताइए ना कि मुझे कैसे, ये तो बता दीजिए, फर्जी में थोड़े ना जेल गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, सुनिए हमारी बात, आप सुन लीजिए पहले हमारी बात को सुनिए, उसके बाद जवाब आपकी बात हम देते हैं। मतलब आप जो है जिसकी चाहे आपकी, आपके अंडर ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास सारे चीज है, आपने उठा के जांच करा दिया। आप बताइए कि सरकार, बिहार की सरकार गिरती है और बिहार की सरकार जो है बनाई जाती है जी भाई, तालमेल करके बनती है। चलिए अच्छा ठीक है, तालमेल में आपने तुरंत सीबीआई जांच भेज दिया, ईडी की जांच करा दिया, आज आज मनोज सिसोदिया साहब ने क्या किया है चलिए एकलाख जी को ले ले, फिर उसका चर्चा को आगे बढ़ाते। एकलाख भाई आप, मैं जी जी कंजन जी अभी आपको लेता हूँ। पूरा बात सुना आपने, किस तरह चुनाव की सरगर्मियाँ है, प्रसपा की स्थिति क्या है, प्रसपा कहाँ स्टैंड करती है? क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि प्रसपा जो है भाजपा के साथ जाएगी, दूसरी तरफ प्रसपा का सुनने में आ रहा है कि आदित्य यादव प्रदेश बना दिए गए हैं, अब नए सिरे से पार्टी आगे बढ़ेगी, तो क्या स्टैंड करेगी प्रसपा, कि अखिलेश यादव दोबारा जाएगी? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो आपका प्राइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। और देखिए जो नगर निकाय पे, पहले नगर निकाय चुनाव पे बात कर लें जी, तो देखिए चुनाव जो है ये जमीनी जमीन से जुड़ा हुआ चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, तो मैं समझूंगा कि इधर महाराष्ट्र की और कई जिलों की स्टेट की बात छोड़ के हमें उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में चुनाव पे बात करनी चाहिए। देखिए आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो ऐसे नेता हैं जो आजकल छोड़ दी, पिछले 2 दशकों से अगर उठा लेंगे तो उनके जैसा नेता उत्तर प्रदेश में या देश में बिल्कुल सही बात है, हाँ बताइए, कोई नहीं मिलेगा। जिस तरीके से वो अपने जनता, जो उनके जनता है, जो लोग हैं, उनके लिए वो काम करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आज के समय में ऐसा कोई नेता होगा। जिस तरीके से आप सैफई से लेके लखनऊ और कानपुर जितनी भी जगह जाएंगे, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी कार्यशैली है उनकी, जब मंत्री थे तब भी उनको एक्शन मिनिस्टर कहा जाता था, काम को तुरंत करते थे और बूथ स्तरीय लोगों तक काम करते थे। बिल्कुल, और बूथ स्तरीय लोगों में बताऊंगा, एक छोटे से बच्चे से लेके एक बड़ा नेता कोई भी हो, रोड पे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब की गाड़ी रुकवा के कांच नीचे करा के अपना काम करा लेता और वो करते जी, वो ऐसे नेता है। और रही बात अब देखिए संगठन पे, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी राष्ट्र कार्यकारिणी ने जो फैसला लिया, बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, एक युवा हृदय सम्राट माननीय आदित्य यादव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, वो युवाओं के हाथ में कमान सौंपी है, और उन्होंने जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अभी उनका आगमन हुआ था लखनऊ पे, स्वागत हुआ था, उन्होंने साफ कहा कि केवल आदित्य यादव जी प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक एक छोटा छोटा कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष है, और अगर कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई बात आएगी, उनके सम्मान पे बात आएगी, तो आदरणीय आदित्य यादव जी वो ठीक करना काम करेंगे। और नगर निकाय का चुनाव देखिए, उन्होंने एक बात और कही कि नगर निकाय का चुनाव वो बहुत ही मजबूती से हम बूथ स्तरीय से लड़ेंगे और बहुत ही मजबूती से लड़ने काम करेंगे। भाजपा के साथ जाएंगे क्या लड़ेंगे? देखिए भाजपा के साथ जाएंगे, अभी तो हम सपा के साथ थे, 2022 में जो चुनाव हुआ उसमें जो धोखा मिला, हमने अपने संगठन बने बनाए संगठन मिला भाई, ये तो पूरा उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है कि हम लोग क्या धोखा मिला, हमारा संगठन पूरा बिगड़ गया था, फिर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संगठन खड़ा कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलकर संगठन खड़ा किया है, बूथ स्तरीय तक हमने अपने संगठन अपने लोग बनाए हैं, और जन जन तक जो भी कार्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किए हैं, हमारी पार्टी के लोगों ने किए हैं, वो जनता तक लेके जाएंगे और निकाय का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। और एक बात मैं और कहूंगा, अभी भाई हमारे बात कर रहे थे या भाजपा की प्रवक्ता जी बात कर रही थी कि सीबीआई ईडी, देखिए ये एक सरकारी संस्था है और इसकी स्वतंत्रता रहना इस देश में बहुत जरूरी है, ठीक है। इसकी जवाबदेही सरकार को ना होके आम जनता को होती है, तो इसकी स्वतंत्रता का ध्यान देना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये आम लोगों की निगाहें, हमारे आपकी जो आम लोग होते हैं उनकी निगाहें इस पे होती है, ये सरकार की तो आप, संस्था नहीं तो आपका भी मानना यही है कि ईडी और सीबीआई एक एजेंडे की तरह काम कर रही है भाजपा के सारे? देखिए अगर ऐसा कर रही है तो बहुत ही निंदनीय है। तो आप उंगली तो ऐसे उठा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि मैंने क्या बताया कि सीबीआई ईडी है क्या जी, अगर सरकार के लिए वो काम कर रही है या भाजपा उसका उपयोग कर रही है तो बहुत ही निंदनीय, नहीं करना चाहिए और इसको स्वतंत्र रहने देना चाहिए। ठीक है एकलाख भाई, पर मैं आपको बता दूं ईडी और सीबीआई कांग्रेस शासन काल में भी रही है और
उस समय भी संस्था रही है और समय जो भी कार्रवाई होती थी वो दर्जे में नहीं आती, पर अब क्या है चूंकि हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उनमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। कंचन जी आप अपना जवाब बोल सकती हैं। कंचन वीर जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आप जी अब आप अपना जवाब दीजिए, बताइए। देखिए बात यह है गोस्वामी जी कि जिस प्रकार से अभी आपने सुना ईडी के लिए, पहले तो मैं बोल दूं जो संवैधानिक प्रक्रिया है इसको गाली देने जैसा है। अगर आप कहते हैं कि ईडी सरकार के लिए काम करती है, ईडी सरकार के लिए काम नहीं करती है, ईडी संविधान। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि ईडी सरकार के लिए काम करती है, आप बात शायद सुन नहीं पाई, मेरी सुन लीजिए एक मिनट। मैंने ये कहा अगर ईडी और सीबीआई सरकार के लिए काम कर रही है तो बहुत ही निंदनीय है। पहले के प्रवक्ता को कोट करें, एक सेकंड जी बोलिए। तो मेरा कहने का मतलब है जो अगर इस गलतफहमी में रहता है तो वो बहुत ही गलत है, क्योंकि एक बात देखने वाली है कि अगर ईडी सरकार के लिए काम कर रही होती ना तो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। आप कह रहे हैं कि सरकार ने आदेश दिया जाओ बिहार में जाकर के छापा मार, वहां कुछ मिलना नहीं चाहिए ना, फिर आप डर क्यों रहे हैं? अगर सरकार की चीजें हैं तो जनता के सामने आएंगी ना, देखो कुछ नहीं मिला इसलिए देखो सरकार हमको परेशान कर रही है। अरे बिहार में AK-47 निकल रही है, आपको कैसे कह सकते हैं, आप ये कैसे बता सकते हैं कि ईडी बिल्कुल गलत कर रही है, वहां पर जा रहे हैं लोग, सिस्टम निकल रहा है, तो आप कैसे कह रहे हो कि ये गलत है? ये तो सरकार की प्रक्रिया है, ये तो संविधान की प्रक्रिया है, इसलिए इसको गाली ना ही दिया जाए तो मेरे हिसाब से बेहतर है। और अगर ईडी की जहां पे भी जांच हो रही है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वहां चीजें निकल रही है, अगर आप में कोई खोट नहीं है, आप भ्रष्टाचारी नहीं है, तो फिर आपको किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मोदी जी पर भी होती है, आदरणीय योगी जी पर भी होती है, आदरणीय अमित शाह जी पर भी होती है, इन सारे बड़े नेताओं पर होती है, भाजपा के नेताओं पर, उन लोगों ने हंगामा नहीं मचाया। आप इसको हंगामे के साथ क्यों ले रहे हैं? और जैसे ही हंगामे के साथ लेने लगते हैं वैसे ही आपके पास चीजें और हथियार निकलने लगते हैं, आपकी चीजें कमियां में आने लगती है। अभी आप पार्टी को, मैं सुन रही थी, उनके एक मंत्री जेल में हवा खा रहे हैं, अभी आगे और ईडी किसको किसको भेजेगी पता नहीं। तो ये मत कहिए कि आप दोषी नहीं है और ये सरकार के हिसाब से काम करने वाली एजेंसियां हैं। थोड़ा सा संविधान का सम्मान करिए और इन सारे तत्वों को समझ करके तभी आप बोले। डिबेट में आप जिस तरीके से जिस सम्मान के साथ में आए हैं उसी प्रकार से आपको संविधान का भी सम्मान करना चाहिए। नरेंद्र भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। मैडम जी मेरी बात गौर से सुनिएगा जी। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप कोई कार्य होता है, आपने जो अभी बताया कि जेल में फांक रहे हैं, धूल फांक रहे हैं, जो भी आपने कहा, मैं कह रहा हूँ कि आप, आपको पता नहीं होगा। नहीं नहीं मुझे पता है, जेल में मुझे पता है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे पता है। आपने उनके यहाँ छापा डाल के, नहीं नहीं पता है, सुनिए 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 सर, आप जेल में है, मेरी बात तो सुनिए पहले, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं आपके बातों पे एक बार बोला हूँ, एक बार भी नहीं बोला हूँ। चलिए ठीक है, बोले बोले आप सुनिए तो मेरी बात, बताइए ना, आप जनता को बताइए, आपने इल्जाम लगाया ना, बिल्कुल बिल्कुल, सत्येंद्र जैन के आपने इंक्वायरी किया, क्या मिला? पूरी देश की जनता को, आपने किसी को घोटाले का आप बता दें कि ये चीज है, आप बता दें कि ये लेके चले गए, आप जो है अथवा बिना प्रूफ के, बिना उसके आप नहीं कर सकती है, बिना प्रूफ के आप ठीक है, आपने जेल भेज दिया भाई, आज तो एफआईआर लिख लीजिए, आप एफआईआर लिख लीजिए, फर्जी लेके आप जेल में डाल दीजिए। आप बताइए कि सिसोदिया साहब ने क्या किया था, आप 15 घंटा जांच किए उनके, क्या मिला? कुछ मिला? आप क्या बता रहे हैं? शराब शराब एक चीज है, एक उदाहरण दिया ना, दिया आपको उदाहरण, आपके एक मंत्री जेल में है, क्यों है? मिला ना कुछ ना कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, आपने फर्जी एफआईआर लिख के आप फर्जी डाल दिए, आप सुनिए फर्जी एफआईआर, आप किसी को, आप जितने यहाँ पे मतलब आप नहीं सुनिए सुनिए मेरी बात तो पहले मेरी बात सुनिए, आप जो है किसी के ऊपर फर्जी एफआईआर लिख के आप जेल में डाल दो, उसकी जांच होती रहेगी, वो जेल में पड़े हैं, अब जब उसका फैसला होगा, एक बार आपने डाला तो नहीं, आपने एक बार डाला जेल में, आपने माफी मांगा, सब कुछ किया, क्या क्या आप गलत कर रहे हैं बताइए? सत्येंद्र जैन को एक बार आपने जेल में डाला और इसके बाद आपने माफी मांगा, सब कुछ किया, आप बताइए क्या नहीं किया? आज जो है वही काम कर रही है, फिर क्या आप किसी के खिलाफ एफआईआर लिख के आप किसी को जेल भेज दीजिए? यही यही रह गया है,
मतलब संविधान को थोड़ा समझ लीजिए। मैं संविधान को समझ के बता रहा हूँ, आप बताइए संविधान क्या, मतलब हम बिना संविधान के समझ नहीं बोलता हूँ। जब तक आपका गुनाह आप जेल में रखेंगी, गुनाह नहीं साबित हो तब तक जेल में रखेंगी। आप ही सरकार है नहीं, हम पहली बात तो आप हम हमको मत बोलिए कि हम जेल में रखेंगे ना सरकार। नहीं, नहीं, यही तो आप सरकार कर रही हैं, इससे कोई बात नहीं है। तो संविधान की मतलब है संविधान के हिसाब से चीजें होती हैं। अगर आप किसी चीज में अगर आपकी गलती आ रही है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, इसमें सरकार को घसीटिए मत। अरे सर, आप जहाँ देखिए आपका थू 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 हो रहा है, जहाँ देखिए पूरे हिंदुस्तान में तू 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 हो रहा है। सारे चुनाव हम सारे विपक्ष के लोग जो है यही कह रहे हैं सब। किसी ने एक चीज बताइए कि आपकी बहुत तारीफ किया है। हाँ ठीक है, आपने ईडी की जांच किया, आपने आप जो पश्चिम बंगाल से आपका पैसा मिला, अच्छी बात है भाई, पैसा आप निकालो अच्छी बात है, गवर्नमेंट को दो, गवर्नमेंट रखेगी उससे कोई कार्य किया जाएगा, ठीक है अच्छी बात है। वहाँ तो मिला ना, अरे भाई आप बताइए ना, आप हम तो आपकी आवाज सुन रहे हैं। चलिए चलिए ठीक है ठीक है। तारिक भाई आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है भाई। गर्मा गर्म भैया बहस रही है अभी हमारी पार्टी और कंचन जी के बीच, और लगातार चर्चा जैसा जैसा कि माहौल हम देख रहे हैं दिल्ली में चल रहा है इस समय हमारी पार्टी और भाजपा के बीच, वही माहौल आज डिबेट में भी नजर आ रहा है। तारिक भाई, आम आदमी पार्टी कहना है कि ईडी और सीबीआई को एक निशान यानी एक संस्था को जानबूझ के एक एजेंडा के तहत उनसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कराई जा रही है, क्या मानते जो पुराने मामले उन पर भी लगातार ईडी और सीबीआई जांच कर रही है, तो केवल कार्रवाई क्या एक तरफा ही हो रही है? देखिए इस पे मेरा मानना ये है गौरव भाई की एक जैकेट है जी, वो भाजपा द्वारा निर्मित जैकेट है। अच्छा। और जैसे ही कोई इंसान उस जैकेट को पहन लेता है बस वो दिखाई नहीं देता, ईडी को भी नहीं दिखाई देता, सीबीआई को भी। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं जी कि आप स्पेशली वो जैकेट जो बांट रहे हैं लोगों को, आपत्ति अगर कहीं पे सीबीआई जा रही है जांच कर रही है उस पर नहीं है जी, लेकिन जैसे ही वो जैकेट वेस्ट बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन पहन लेते हैं गायब हो जाते हैं। अच्छा। दिखाई नहीं दे रहे हैं कि वो है। अच्छा। महाराष्ट्र में फडणवीस गायब हो जाते हैं, कई आरोप हैं, और सबसे बड़े जो इनके अभी आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो तो डबल गायब हो गए जब वो कांग्रेस में थे, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप है विष्णु शर्मा साहब के। अच्छा। जांच भी चल रही है मगर वो गायब। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ये लोग क्यों नहीं दिखाई देते जी, महिलाओं की बात करने के बाद जी जघन्य अपराध करके महिलाओं, अब बताइए कि एक महिला जाकर उन्हीं लोगों के बीच में कैसे रहेगी गौरव भाई जी, जिसका 11 लोगों ने रेप किया था, उसकी 3 साल की बच्ची पे सर पे मार कर उसको मार डाला जी, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी, शर्म सर से झुक जाए और सबको शर्म आनी चाहिए जी। इस तरीके का काम सरकार रिकमेंड करेगी? बाप रे, कैसे उस औरत की आप मानसिक स्थिति समझिए उस महिला जी, आज अमृत काल में ये सब हो रहा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार औरंगजेब है और नेहरू है। अच्छा। कोई तीसरा आदमी जिम्मेदार नहीं हो सकता इसके लिए, 70% जिम्मेदारी औरंगजेब की है जी। मुझे तो लगता है कि इन बलात्कारियों को छोड़ने के लिए रिकमेंड भी औरंगजेब तात्मा ने आके किया। अच्छा। क्योंकि सारी जिम्मेदारी तो औरंगजेब की है, उसके बाद बची कुची जिम्मेदारी आ जाती है नेहरू जी के ऊपर बेचारे जी। अब मैं यही कह रहा हूं कि देखिए बीजेपी के अंदर काम करने की क्षमता और या झूठ बोलने की क्षमता या इस तरीके की कृत्य करने की बड़ी हिम्मत के साथ। अच्छा। सरकार के जो कमेटी थी गौरव भाई, 2 विधायक थे उसमें जी, उन्होंने रिकमेंड किया, जब कोर्ट ने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम क्या करें इनके बारे में, इनको राय दो, कहा इनको छोड़ दो। अब आप बताइए, अब ये अमृत काल चल रहा है, अब आप अमृत काल में 25 साल में क्या क्या देखेंगे ताकि हम लोगों की आंखें और बड़ी हो जाए, और क्या क्या देखना है? तो ये देखना है जी कि देखिए कि देखिए सीबीसीआईडी देख रही है, जो लोग जैकेट पहने वो लोग नहीं दिखाई दे रहे जी,
अब मैं कह रहा हूँ कि जो लोग इधर है अभी उस पार चले गए और जैसे जैसे जाते हैं सब थोड़ा तारिक भाई सबसे बड़ी बात हम कंप्लीट कर ले तब बोले 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 जी मैं कह रहा हूँ तुरंत बीजेपी जैकेट दे आपको जैकेट नहीं आपको दिखाई नहीं देंगे अब उनको दिखाई कौन दे रहा है सिसोदिया साहब दिखाई दे रहे हैं जी लालू साहब के बेटे दिखाई दे रहे हैं चले गए वहां पे मैं कह रहा हूँ कि क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले जो भ्रष्टाचारी हैं जो इधर थे अब उधर पाला फांक गए हैं अरे भाई उनको भी तो देखो इसका मतलब ये है कि बीजेपी ने जैकेट दे दी अच्छा और वो जैकेट पहन के अदृश्य हो गए इंडिया बन गया है और दिखाई देंगे भी नहीं आने वाले टाइम तारिक भाई नहीं दिखाई देंगे सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने तमाम तरह की बातें कही पर एक बात तो है कि अगर बीजेपी की आप नीचे से संतुष्ट नहीं है बीजेपी जैकेट बांट रही है लोग गायब हो जाते हैं और परेशान है नीतियाँ ठीक नहीं है खराब यानी झूठ बोल रही है तो विपक्ष क्या कर रहा है विपक्ष कहाँ है जनता ने तो विपक्ष को भी 111 सीटें दी है ना तो विपक्ष कहाँ नजर आ रहा है देखिए भाई जी केवल केवल सुन लीजिए केवल विपक्ष का हंगामा केवल केवल विधानसभा में नजर आता है रोड पर नजर ही नहीं आता है जी जी गौरव भाई देखिए ऐसा है जी अभी आपने अमृतकाल अमृत महोत्सव मनाया हमने सपोर्ट किया जब आप कोई अच्छी बात कहेंगे तो विपक्ष साथ में आए देखिए अच्छा। समाजवादी ने भी हर घर झंडा और तिरंगा यात्रा निकाली यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानपुर में लात घूंसे चलाए जूते छप्पन चलाए एक दूसरे को मारा लात घूंसे भाई तिरंगा यात्रा में जी लात घूंसे चल गए खूब मारपीट हुई है युव जनसभा के लोगों में आप देखिए तमाम न्यूज चैनलों ने दिखाया खैर ये तो भाजपा की आदत ही है मारपीट करना बहरहाल फिर भी मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष अपना काम हम सवाल उठाते हैं जी हमें जिम्मेदारी जनता ने यह दी है कि आप सत्ता में नहीं बैठ सकते आप विपक्ष में बैठेंगे कंप्लीट करने महिला होने के नाते गुजरात वाली घटना पे जवाब जरूर दे दीजिएगा एक महिला से गुजरात की घटना पे जवाब जरूर चाहूंगा कि यह महिला शर्मिंदा है या नहीं है शर्मिंदा है या नहीं है चले चले पॉइंट नंबर वन जी अब मैं कंप्लीट कर लूं कि गुजरात पे जरूर जवाब दे देंगी कंचन जी तब आगे बढ़ेंगे कि शर्मिंदा है या नहीं है गलत हुआ या नहीं हुआ ठीक अब विपक्ष की गौरव भाई सिंपल सी जिम्मेदारी ये होती है जो जनता की समस्या है उसको उठाना है आपका सवाल भी जायज है कि सड़क पे नहीं उठ रहा है बहुत जल्द आपको सड़क पे दिख चलिए हम भी आपका इंतजार करेंगे अगर सड़क पे नहीं आ रही है तो विपक्ष गलत चलिए हमें जल्द से जल्द चुनाव से पहले आ जाइए चुनाव से पहले आइएगा तो बेहतर परिणाम आएंगे कंचन जी चुनाव से पहले आएंगे बढ़िया परिणाम आएंगे कंचन जी जवाब दीजिए देखिए चुनाव से पहले वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि तारिक साहब जानते हैं उनकी जो पार्टी है वो खुद ही लड़ती रहती है इसका प्रमाण मैं दे दे रही हूँ पहले अपने घर वालों से लड़ते हैं तो घर वाले जब शामिल नहीं होते हैं तो बहू कहीं और चली जाती है फिर पिताजी को पोस्टर से हटा दिया जाता है यहाँ तक की माता जी से वादा किया गया था जो इसके बाद एक सेकंड मुझे बोलने दे दीजिए तो उनसे वादा करने के बाद भी अखिलेश जी ने अपने जो अखिलेश जी की माता जी हैं दूसरी वाली उनके लिए उनको उनसे वादा करके आए थे कि अध्यक्ष पद हम आपको लौटा देंगे पिताजी को लेकिन दिया नहीं उन्होंने वापस मतलब चट कर गए पूरा तो इतनी लड़ाइयां जहां होती हो भाई भाई में ना पड़ती हो बहू बहू में ना पड़ती हो पिता बेटे में ना पड़ती हो चाचा भतीजे में ना पड़ती हो वो लड़ाई की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे हैं सपा थोड़ा सोचने वाली बात है थोड़ा निंदनीय है कि मैं आपको एक बात बता दूं भारतीय जनता पार्टी कभी लड़ती नहीं है यहाँ सामंजस्य होता है हर एक चीज में यहाँ संगठन से काम होता है और अखिलेश जी चाहते हैं कि सारा संगठन सारा सामंजस्य वही अकेले बने रहे कहीं कोई कुछ ना करे इस बात से आप समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले अब लगता है कि अखिलेश जी आएंगे भी कैसे और अकेले ही आएंगे तो क्या ही कर लेंगे बेचारे कहाँ कहाँ जाएंगे क्या क्या चीजें करेंगे उनको लगता है वो पूरा आसमान खुद ही उठा ले और जबकि आसमान अकेले नहीं उठता उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं उनको किसने बता दिया है तो पहले उनको ये समझने की जरूरत है कि आपको टीम बनानी पड़ेगी आपके अपने लोगों की टीम होनी चाहिए आपके घर वाले आपके साथ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते इसीलिए जब आप घर नहीं जीत सकते तो मुझे लगता है आप प्रदेश या फिर आप देश की पाप देखे तो ये बड़ी बात होगी ये नहीं देखना चाहिए अखिलेश जी शायद रॉन्ग पॉइंट पे जा रहे हैं ठीक है हमारे साथ बरिस्ट पत्रकार ग्रुप में जावेद अहमद जी दिल्ली जुड़ चुके हैं जावेद आपको मेरी आवाज आ रही है जावेद जी आपको मेरी आवाज आ रही है हेलो जावेद जी आपको मेरी आवाज आ रही है शायद जावेद जी आपको मेरी आवाज आ रही है
शायद संपर्क टूट गया है। नरेंद्र भाई आपने पूरी बात सुनी, कंचन जी की आपने पूरी बात प्रवक्ता सपा की भी सुनी, क्या दृष्टिकोण रखती है हमारी पार्टी? केवल ईडी और सीबीआई पर ही आरोप लगाते रहेंगे या धरातल पर भी कुछ काम करने के उतरेंगे? भाई रे, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी, मैडम जी से जी, कि इन्होंने सपा पे भी लगाया दोष, प्रसपा पे भी लगाया दोष कि भाई भाई रह के नहीं मिले, चाचा भतीजा नहीं मिले, सारे चीज इन्होंने दोष लगा दिया जी। आप ये बताइए जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जी आज यही चाहते हैं। मैंने केवल अखिलेश जी के लिए बोला कि उन्होंने चाचा जी का ख्याल नहीं किया। हाँ, हाँ, बाकी मैंने चाचा जी के लिए नहीं बोला, उनसे अच्छा नेता सच में ही सपा वाले कई नेता हैं, अच्छे हैं, सब कुछ है। आप सुनिए मेरी बात, बोले 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 जल्दी बोले। प्रधानमंत्री जी जी आज जिस हिसाब से देश के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं बहुत बुरा काम कर रहे हैं। अच्छा। जो पब्लिक के निगाह में है, मेरे निगाह में ठीक है। चले चले, कुछ जो अच्छा भी काम कर रहे हैं, खुद बोल रहे हैं, सब स्वीकार रहे हैं, सब सब अच्छा है जी, सब बुरा है। अच्छा। तो आज जो है 500 की नोट भी होगी तो उस पे अपना मोहर लगा के, महात्मा गांधी का नाम हटा के अपना लगा के पूरे देश के अंदर प्रचलित कर देंगे। सुनिए मैं जो कह रहा हूँ, इतने टीके लगे हैं जी, आप बताइए कि उसमें क्या है? आप टीके लग रहे हैं भाई रे, आप बताइए कि उसमें नरेंद्र मोदी जी आ रहा लिख के, हर चीज आ रहा है भाई, काट दे। पहले क्या होता था बताइए ना हमको। किस चीज की पर, बात कर रहे हैं आप, क्या लग रहा है? ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन की बात कर रहा हूँ सर। अरे वैक्सीन लग के खत्म हो जाती है वो शरीर। सुनिए सुनिए, उसी का उदाहरण दे रहा हूँ कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी आज उनका बस चले तो 500 का नोट भी अपना नाम छाप दे। आज आज जो है पूरा नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर सिर्फ वन मैन शो बन के अपना काम कर रहे हैं। आप बताइए किसी बीजेपी वालों को चल रहा है क्या? राजनाथ सिंह का चल रहा है या किसी के और चल रहा है? आपने नितिन करकरी को निकाल बाहर कर लिया, नहीं नितिन करकरी को निकाल के बाहर कर दिया आपने, मध्य प्रदेश के शिवराज को बाहर निकाल दिया, क्या मतलब है? क्या चाहते हैं आप, क्या चाह रही हैं? वो तो उनका आंतरिक कार्य समिति बनी है, वो कार्य समिति भाई आज आज जो है टीवी कह रही है कि हो सकता है कि नितिन करकरी को टिकट ना मिले, क्या मतलब है? आपके हैं पूरा भ्रष्टाचार अंदर तक कूट कूट के भरा हुआ है, आपका भ्रष्टाचार कोई उजागर नहीं कर। चले चले ठीक है ठीक है, जवाब मैं कह रहा हूं, सुनिए एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि आज आप कुर्सी पे हो बैठे हुए, कल आपकी कुर्सी छीनेगी तो आपका क्या हालत होगा, ये आप सोचिए, ये आप तो भी सोचना चाहिए। चलिए जवाब लेते हैं, जाबिर भाई जुड़ चुके हैं। जाबिर भाई आपको मेरी आवाज आ रही है? जाबिर अहमद जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं आ रही है। कंचन जी जवाब दीजिए, फिर बाकी मेहमानों को लेते हैं। देखिए कुर्सी छीनने की बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी वाले शासन काल में तो रहती नहीं है, क्योंकि वो वंशों से नहीं आती ना, परंपराओं से नहीं आती कि पिताजी की या फिर भाई साहब की कुर्सी है उसको नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद अपनी कुर्सी खुद बनाते हैं, अपने बल पर बनाते हैं, अपने काम पर बनाते हैं, अपनी मेहनत से बनाते हैं, और यहाँ पर कोई राजा टाइप नहीं होता है, यहाँ पे सब जमीनी नेता होते हैं, जमीन से जुड़े लोग होते हैं, इसलिए मेहनत करना उन्हें तब भी आता है जब वो कुर्सी में होते हैं, और तब भी आता है कुर्सी छूट जाती है। तो यहाँ कोई भी कुर्सी का लालची नहीं है कि भैया हम राजा के बेटे हैं तो राजा ही बनना चाहिए, यहाँ ऐसी कोई धरोहर वाला काम नहीं है, इसलिए मैं कह दूं कि यहाँ। और बाकी कुर्सी की बात है तो किसी की भी कुर्सी चिपक करके नहीं रहती, सबसे एक बार उसका चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो, सबसे सब कुछ छूटने वाला यही होता है, और कुर्सी कभी सहमत नहीं होती कि वो हमेशा साथ रहे। बाकी चुनावों की बात करूं तो किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है ये हमारी अंदरूनी प्रक्रिया है, कौन हमारे पार्टी में कहां से लायक है, किसको कहां से टिकट देना है ये भी हम लोग डिसाइड करते हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, वो अपने हिसाब से बहुत अच्छे और भारी माइंड के साथ में सब डिसाइड करती है, इसीलिए हम सारी चीजों से जनता के हृदयों तक उतर पाते हैं, जहां जो जनता के लिए नेता उचित होता है उसे रखते हैं। मुझे लगता है कि ये बात आपको अपनी पार्टी
नहीं करनी चाहिए, हमारी पार्टी की करने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है जावेद भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद जावेद भाई से मेरे कनेक्शन हो नहीं पा रहा है। इखलाक भाई, पूरी बात तो सुनी आपने भी, ये स्पष्ट बताइए कि प्रसपा का क्या स्टैंड होने वाला है चुनाव में, किस तरह एक रणनीति बनाई, कि बीजेपी की तैयारी तो शुरू हो चुकी है। मैंने आपको शुरुआत बताया कि बीजेपी एक चुनाव खत्म करने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है और लगातार वहां पर बैठकों का दौर भी जारी है। प्रसपा के नए प्रदेश अध्यक्ष आ चुके हैं आदित्य यादव, अब क्या स्थिति है, किस तैयारी के साथ आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जाएंगे या फिर किसी पार्टी का सहयोग यहाँ पर करते नजर आएंगे? देखिए टॉपिक थोड़ा मुझे लगता है कि कम शब्दों में इस डिबेट में, और मैं थोड़ा समय चाहूंगा आपसे जी, बिल्कुल दो मिनट का। देखिए जो नए प्रदेश अध्यक्ष हमारे बने हैं जी, आदरणीय शिवपाल सिंह साहब के वो बेटे नहीं है केवल, आदित्य यादव जी कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं जी, इफको के डायरेक्टर हैं और देश में आईसीए के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरी बार मलेशिया में हिंदुस्तान का परचम लहरा के आए जी। अब वो आम नागरिक नहीं है, उन्होंने हमेशा से देश के लिए और कोऑपरेटिव के या इफको के कहे उन्होंने गरीबों को, जो एक बहुत बड़ा तबका हमारे देश में गरीब है, खाद का मसला आता है या बैंक से कोऑपरेटिव बैंक से मदद करने का काम हमेशा गरीबों के लिए किया है जी। तो हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय आदित्य यादव जी के नेतृत्व में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गांव-गांव शहर शहर हर जगह एक एक आदमी तक हम अपनी बात बताएंगे जी। और जो आने वाला चुनाव है इसको मजबूती से लड़ेंगे जी। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से देखिए जेल की बात हुई थी जी, तो जेल जाने से ना महात्मा गांधी जी डरे थे, ना चंद्रशेखर आजाद जी डरे थे, ना आदरणीय नेता जी डरे थे, ना शिवपाल सिंह यादव जी डरे थे, ना ही आदित्य यादव जी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता डरेगा। अगर सरकार की कोई गलत नीति है तो उसका हम विरोध करने का काम करेंगे, जैसे हमने 2017 से लेके अभी तक विरोध किया था और आगे भी करेंगे। और आने वाले नगर निकाय चुनाव को हम माननीय अध्यक्ष जी के, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदित्य जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेंगे। चलिए ठीक है तारिक भाई, अपनी बात पूरी कर लिए, फिर कंचन जी से लास्ट कमेंट लेते हैं और चर्चा को खत्म करते हैं। तारिक भाई देखिए हमारा मेन मकसद ये है कि नगर निकाय चुनाव ताकत से समाजवादी पार्टी लड़ेगी और जो उसमें उसकी जो सेमीफाइनल माना जा रहा है उसको लोकसभा का माना जा रहा है। सही बात है कि उसके तुरंत उसके बाद जो भी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में वो लोकसभा ही होगा। हमने तैयारी शुरू कर दी है और आपका एक सवाल जायज है कि ग्राउंड पे आना चाहिए। हम बहुत जल्दी सड़कों पे भी जनता के इन मुद्दों को लेकर उतरेंगे कि आपकी समस्या क्या है और जिसका निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई खास कदम नहीं उठाया, क्योंकि चुनाव लोकसभा है वो केंद्र सरकार की नीतियों पर आधारित होगा, ना कि राज्य सरकार की नीतियों पर आधारित होगा। उन केंद्र सरकार की नीतियां जिसमें ये सारे मुद्दे रहेंगे जो अभी आप सीबीआई ईडी की बात कर रहे थे, उसमें जैकेट की भी बात होगी, सीबीआई की भी बात होगी, ईडी की भी बात होगी, सारी बातें होंगी वो रखी जाएंगी। फिर भाई देखिए गौरव भाई, लास्ट बात कह रहा हूँ, जनता जनार्दन सबसे बड़ी वो अदालत, उसका फैसला सर्वोपरि है, सर पे रखना है। उसने कहा हमको रिजेक्ट किया, आप विपक्ष में बैठिए, वोट बहुत दिए, मगर कहा विपक्ष में बैठिए, हम विपक्ष में बैठिए। आने वाले टाइम में जनता का जो भी निर्णय होगा उसको सरहाथों पे रखा जाएगा, कबूल किया जाएगा, उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं है। हाँ, बीजेपी की विफलता लेकर जनता के बीच में जरूर जाया जाएगा, निर्णय जनता का है, वो जनता पे छोड़ना चाहिए, उस पर हवाई दावे नहीं करने चाहिए। कंचन जी अपनी बात जल्दी खत्म करिए, ज्यादा देखिए गौरव जी, तारिक साहब का वैसे ही सिस्टम हो रहा है, तारिक जी जो बोल रहे हैं घी फैल गया, हमारे एक कहावत है घी फैल गया तो सूखी रोटी पसंद है। भाई जनता ने आपको नहीं दिया वो मैंडेट कि आप सरकार चला सकते हैं, उनके हिसाब से लायक नहीं होंगे आप, इसलिए ऐसा हुआ है, इस पर मैं ना जाती भी। बाकी हाँ, मैं अपने चुनावों की बात करूं कि वो सोच रहे हैं कि 2024 टारगेट है, नहीं हमें सागर बनता है, एक बूंद बूंद से सागर बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी को पता है। और कभी भी हम किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते, या गलती मत करिएगा, हमारे लिए हर एक चुनाव बहुत बड़ा है और हमारे एक चुनाव को बहुत तल्लीनता से लड़ते हैं, इसलिए मेहनत के साथ में। और ये इम्पोर्टेंट भी है चुनाव, क्यों? क्योंकि ये नीचे जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। और यकीन है मुझे, ये विश्वास है कि हुए जो राम रच राखा खोकर तब बढ़ावाई साका, वो बात अलग है, लेकिन मेहनत और कर्म पूजा है, उस हिसाब से भी, कर्म के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जैसे हर चुनाव में लड़ती चली आ रही है और जीतती चली आ रही है, वैसे इसमें भी अपने अव्वल तरीके से अव्वल लेकर आएगी और हम लोग अच्छे से जीतेंगे। ठीक है कंचन जी, ठीक है। तो
आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। एक बात स्पष्ट है कि जो निकाय चुनाव है वो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अन्य पार्टियां भी सक्रिय हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार कुछ फेरबदल जरूर होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो नगर पंचायत है वो भी बढ़ गई हैं, जो नगर निगम है वो भी बढ़े हैं, साथ ही साथ नगर पालिका है उनमें भी वृद्धि की गई है, और साथ ही साथ जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव अभी हाल में संपन्न हुए हैं, भाजपा को वहाँ पर 43 सीटों का फायदा भी हुआ है, और निश्चित रूप से उस चुनाव का प्रभाव वहाँ पर मध्य प्रदेश चुनाव जो होने वाले हैं अगले साल उस पर पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होने वाले हैं इनका प्रभाव भी आगामी लोकसभा चुनाव में दिखेगा, और जिस तरह से बीजेपी लगातार अपनी बैठकें कर रही है, तैयारी कर रही है, अपनी उसी स्थिति के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सपा और बसपा भी अपना दमखम नजर लगाती नजर आएगी, क्योंकि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और जीतने के लिए आपको जनता का जनाधार चाहिए, और जनाधार तभी मिल सकता है जब आप जनता के लिए संघर्ष करते धरातल पर नजर आएंगे, केवल ट्वीट की राजनीति से अब चुनाव जीतना उत्तर प्रदेश के पूरे देश में मुमकिन नहीं है। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।